क्या बात है, आइए सर। अरे किसको, अरे मैडम जी, क्या बात है, अरे पूरा आगे स्लाइड कर, मेरा मोबाइल तो दे भाई, मेरे को भी एक दो वीडियो बनाने का, इधर का मेरा मोबाइल लेकर आ यार, मोबाइल तो मेरा ला, ऑनली फोटो क्लिक। जॉनी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, मोबाइल तो दे मेरा, एक एक मिनट के कहने से पहले एक मिनट होने दीजिए, पहले बोलिए बोलिए, नहीं नहीं रेडी होने दो, हमारे लिए बहुत दुख की बात है, हमारा ना भाई हमने खो दिया, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन भाई, थैंक यू सर। इधर इधर एक फोटो करते हैं, यहाँ पे कर देना दो फोटो, हाँ एक एक मिनट रुके रुके, तो बोलो, हाँ बुला लो बुला लो, आया कम कम मैं वाली फोटो, अच्छा लाइट है ना, आइए। अरे वो कौन है, थैंक यू सर। अरे विनोद क्या कर रहा है यार, पहली बार काम कर रहा है, ये बड़े बेटे हैं, अच्छा उसका इधर देख, जूनियर भाई के बड़े बेटे हैं, ओ भाई बेटा 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 ऐसा उठ बेटा, ये कौन है, फोटो लेने का टाइम है क्या, चलेगा ले ले, हाँ सर बोलिए बोलिए क्या बोल रहे, दोनों बेटे छोटे हैं और अभी बड़े, ये सब अच्छा, ये भी आ रहे हैं, इधर इधर देख, 2:30 तो यहाँ से निकल रहा है, अरे यार तुम, थैंक यू सर, हो गया तुम, अरे विनोद यार मोबाइल तो ऐसा करना, सर आज इतनी बड़ी दुख की घड़ी, आप अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, नहीं हमारा तो परिवार ही है, ये हमारे बच्चे जो है ये रफीक और आशू जो, ये और मेरी बेटी जैमी, ये साथ में बड़े हुए हैं, तो हम लोग का बिल्कुल फैमिली रिलेशन है, और सालों से 58 ईयर्स समझ लो है ना, और फिर उन्होंने वो इतने बड़े स्टार थे, लेकिन हमको हमेशा प्यार दिया उन्होंने, फिर हमने सोचा नहीं था कि हमारा भी इतना नाम होगा, लेकिन हम लोगों का रिलेशन ऐसे ही रहा, और अभी भी साथ में ही थे, वायरल घर आना जाना ये वो सब, लेकिन हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे हमने एक भाई को खोया है, और बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे बीच में नहीं रहे, अगर बात करें सर उनके काम करने के तरीके की, तो किस तरीके के सर वो अपने फील्ड में अपने तरीके से काम करते थे, क्या कुछ जोश रहता था सर का उस टाइम पर, इन्होंने बहुत काम किया, हर स्टार के साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने फिल्में बनाई, हिंदी फिल्म बनाई, उसके बाद में मराठी फिल्में उन्होंने बनाई, तो उसमें कोई ज़्यादा फिल्में चली नहीं, और कोई ज़्यादा उन्होंने पैसे नहीं बनाए, बल्कि पैसे काफ़ी उन्होंने डाले, नुकसान लड़ते रहे लड़ते रहे, लेकिन फिर भी नहीं, यहाँ तक के वो बीमार पड़े ना, ये एक महीने से पता चला मेरे को, 20 दिन तब तक का वो शो कर रहे थे, शो चलता रहा, बहुत मेहनती थे, उन्हें शोज का काम कुछ ना कुछ करते ही रहे। सर आप हॉस्पिटल में भी गए थे उनसे मिलने, क्या कुछ बात की तब उन्होंने आपसे, क्या कुछ कहा आपको, हॉस्पिटल में मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी, मिलते भी थे, लेकिन भाई ये थे सलामत भाई, सलाम भाई साथ ही रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी खिदमत थी, और उनसे मैं पूरा इन्फॉर्मेशन लिया करता था, फ़ोन पे मेरी बात होती रहती थी रोज़ रोज़, हर टाइम पे, हर 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 5-10 मिनट, और वैसे भी रोज़ हमसे बात होती रहती, तो ऐसा रिलेशन था हमारा, बहुत बस, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, थैंक यू सर, थैंक यू सर,
थैंक यू अजीत सर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कुछ सर? नमो भाई हमारे एकदम प्यारे दोस्त हैं। जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था तो ये 1983 की बात है, तो मैंने फिल्म साइन की थी बप्पी सोनी साहब की, सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। उस वक्त हमारे पास ना कोई गाड़ी होती थी ना कोई कुछ चीज़ होती थी, तो नमो भाई हमें हमेशा अपने गाड़ी में ले जाते थे, शूटिंग पे ले जाते थे और हमारी बहुत बहुत मदद की है। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को शक्ति दे, यही कहना। थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? इंडस्ट्री का बाल कलाकार जिसे कह सकते हैं, रियल बाल कलाकार जिसे घर घर में अपनी जगह बनाई थी, तो हर घर को उन्होंने हंसाया था। और कहानी घर घर की में तो बाकायदा उन्होंने पूरे परिवार के लिए एक मैसेज भेजा था, तो मुझे लगता है ये घर घर का नुकसान है, घर का ही बच्चा जो हंसाने वाला बच्चा है, क्योंकि जूनियर महमूद नाम था उनका, तो कभी सीनियर उनको लोगों ने समझा ही नहीं, कभी बड़ा समझा ही नहीं, बच्चा ही समझा। तो जूनियर महमूद साहब जो हमारे आज हमारे बीच में नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन काम तो उनका हमेशा महान है, हमारे उस्ताद हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, और मालिक आज जहाँ भी उनको रखे, क्योंकि दुनिया को बहुत हंसाया है तो उन्हें भी हंसता हुआ रखे, यही दुआ। थैंक यू सर। आपको सर आगे लगा दे सर। अरे धक्का क्यों मार रहे हैं भाई? सर आइए उधर लगा दे बेटा, आगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कुछ? मैं ये कहना चाहूंगा कि 1913 से आज तक, 1913 में हमारी पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 से लेकर 8 दिसंबर 2023 तक ना इतना बड़ा चाइल्ड आर्टिस्ट सुपरस्टार पैदा हुआ है ना होगा। ये अकेला चाइल्ड आर्टिस्ट था जिसके नाम पर फिल्म बिकती थी, जिसके नाम से डिस्ट्रीब्यूटर अट्रैक्ट होते थे, जिसके नाम से ऑडियंस जाती थी। वो राजेश खन्ना की फिल्म हो आन मिलो सजना, आती मेरे साथी, वो जितेंद्र की फिल्म हो कारवां, वो महमूद साहब की फिल्में हो बॉम्बे टू गोवा अमिताभ बच्चन की, वो देवानंद की फिल्म हो हरे राम हरे कृष्णा, जूनियर महमूद की जरूरत पड़ती थी फिल्मों में, कितने भी बड़े स्टार या सुपर स्टार हों फिल्म में। तो बहुत से चाइल्ड आर्टिस्ट आए, बहुत उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की, लेकिन जो लोकप्रियता जो सुपर स्टारडम एक चाइल्ड आर्टिस्ट को मिला वो आज तक ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। देखिए बहुत से सुपर स्टार हैं जिनके बच्चे कुछ नहीं बन पाए, ये टैलेंट जो है ये किसी के खानदान की जागीर नहीं है, लेकिन एक रेलवे ड्राइवर का बच्चा नईम सईद इतना बड़ा चाइल्ड स्टार सुपरस्टार बना, ये तो ऊपर वाला जिसको दे देता है टैलेंट दे देता है, जिसको नवाजता है। तो ऐसा टैलेंटेड आज की जनरेशन शायद इतना नहीं जानती होगी, मैं मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ये पहला और आखिरी चाइल्ड आर्टिस्ट है जिसके नाम पे बॉक्स ऑफिस के टिकट्स फटते थे, तो उसने इतिहास रचा। 110 साल का जो हमारा इतिहास है भारतीय फिल्मों का, उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास बनाया, और मैं नहीं समझता कि इस इतिहास को आज तक कोई तोड़ पाए। फिल्म में मैंने काम किया,
बहुत से उन्होंने शोज किए लंदन में, दुबई में, आयरलैंड में, मेरे बिना उन्होंने कोई शो नहीं किया। और जितनी भी फिल्में बनाई, रीजनल बनाई, मराठी बनाई, शोज करते थे, तो मेरे बिना वो कभी कोई शो करते नहीं थे। तो मेरी उनकी एक बहुत ही लंबी एसोसिएशन रही है। जाना तो देखिए सभी को है, किसी का स्टेशन जल्दी आता है, किसी का बाद में आता है, लेकिन इस आदमी ने जो एक इतिहास रचा है वो उस तक कोई नहीं पहुंच पाए। थैंक यू। हाँ जी, आइए सर। Thank you.